मंदसौर में माफिया अभियान की धमक एक बार फिर देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन पुनः शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने में लग गया है। गुरुवार को आज सुबह मंदसौर जिला प्रशासन ने हर शहर से लगे खेलजीपुरा गांव में सरपंच की बहन के निर्माण को जमींदोज कर दिया। वह बताया जा रहा है कि सरपंच इकबाल की बहन मुमताज भी के नाम से शासकीय भूमि पर फर्जी पट्टा बनवाकर दो मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया था, जो पूरी तरह अवैध था। इस घर में अवैध तरह से बाहरी लोगों को निजी संस्था स्कूल भी संचालित कर रही थी। अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन को मिली तो उन्होंने जांच कर आज सुबह पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सरपंच इकबाल की भूमिका पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरपंच के सानिध्य में पद का दुरुपयोग करके यह कार्य किया गया है। ग्राम खेलजीपुरा में शासकीय भूमि है जिस पर एक स्कूल का निर्माण कर लिया गया था और जो दो मंजिला मकान का निर्माण था, जिसे विधिवत सुनवाई करके आज आदेश के बाद डिसमेंटल किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो भू माफिया द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे थे उस पर एक ये कार्रवाई की गई। इस पर कोई निजी संस्था जो अपना स्कूल चला रही थी और उससे जो जितने मकान बनाया था उससे हजारों रुपया किराया भी वसूल कर रहे हैं। इस प्रकार शासकीय भूमि पर वसूली का काम किया जा रहा है। ये देखने की बात है और जांच का विषय है जो पुलिस द्वारा किया जाएगा। अब हम तो हमारे जो शासकीय भूमि पर कार्रवाई की जाना है भू माफियाओं से छुड़ाने का और शासन के हित में भूमि प्राप्त कर रहे हैं। इसका भी अब अनुमान पूर्ण निकाल करके हम बताएंगे। वो प्राइवेट स्कूल में और कहीं शिफ्ट हो गई। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। हाँ, मैं ये इस तरीके से देखता हूँ इस कार्रवाई को कि सन 1999 में ये मकान जितने भी इस भट्टी में है वहाँ से लगा के ना तक क्या ये नहीं तोड़े जा रहे और सिर्फ मेरा एक गरीब आदमी का ही मकान तोड़ा जा रहा है। और मैं हम्मली करता हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे चार बच्चे हैं, तीन लड़के एक लड़की, और मुझसे पटवारी द्वारा 30 लाख रुपए मांगे गए। मैं रात दिन बोरिया चौकता हूँ, इसलिए मैं 30 लाख रुपए नहीं दे सका। तो मुझे गरीब आदमी का मकान तोड़ा गया। अगर तोड़ना चाहे तो सबसे ही मकान तोड़ा जाए, मुझे गरीब आदमी को क्या टारगेट बनाया जा रहा है।